नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ आज का मैथमेटिक्स का कंटेंट और पैडागोजी का सेशन। तो जितने साथी इस वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं और बाकी इस वीडियो को जो बाद में देखेंगे, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। तो चलिए देखें, तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं डिटेल्ड स्टडी के लिए, और वो साथी जो बार बार सीटेट दे रहे हैं, लेकिन उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो उनके लिए मौका है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं नीलकंठ एजुकेशन ऐप पे। नीलकंठ एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले पे या फिर ऐप स्टोर के ऊपर, और यहां पे आपका सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए आपके कोर्सेस अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप, अगर कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 8130490011, इस नंबर पे आप कर सकते हैं व्हाट्सएप, आपकी क्वेरीज का अतिशीघ्र यहां पे समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल नीलकंठ एजुकेशन के साथ, जिसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, गौसी जालोर जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो शुरू में हम कंटेंट के क्वेश्चन लेते हैं और फिर लास्ट में हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास तो पेपर फर्स्ट सीटेट का ये कंटेंट है जिसमें हमारे बेसिक क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखें बेसिक क्वेश्चन, इसमें कौन सा आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली। अब यहां जो हमें दिया गया है, तो यहां पे हमसे पूछा गया है नॉट यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली, हम कहां पे आलेखीय निरूपण का प्रयोग नहीं करते हैं। आलेखीय निरूपण का मतलब हो गया आरेख जिसमें नहीं बनता है। तो क्या पिक्टोग्राफ, चित्र आलेख, तो नाम ही यहां पर हमें पिक्टोग्राफ है, ये एक आलेख होता है, ये एक आलेख हमें देखने को मिलता है। विनोद जी स्वागत है आपका। तो ये एक आरेख हमें देखने को मिलता है, ये एक आलेख देखने को मिलता है जब हम पिक्टोग्राफ की बात करते हैं। वहीं पर जब हम पाई चार्ट की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक वृत्तीय आरेख हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम अलग अलग देखते हैं कि हमारे पास तो ये भी हमारा एक पाई चार्ट होता है, हमारा ये भी हमारे पास एक पाई चार्ट होता है। और फिर हम बात करेंगे किसका, फिर हम बात करेंगे कि हमें देखने को मिल रहा है हिस्टोग्राम, आयत चित्र, तो ये भी एक हमारे पास है जिसको हम पारग्राफ भी कहते हैं, ये हमें हिस्टोग्राम देखने को मिलता है। और पिक्टोग्राफ के ऊपर अगर हम बात करें तो पिक्टोग्राफ हमें देखने को मिलते हैं, पिक्टोग्राफ भी हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन सा एवरेज एक हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आरेख प्रस्तुतिकरण नहीं है हमारे पास, आरेख प्रस्तुतिकरण हमारे पास चित्र है, पाई है और आयत चित्र है। पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड एवरेज इज नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्योंकि हमसे यहां पर पूछा गया है प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यहां पर हमसे पूछा गया है Not used to represent, तो इसीलिए आंसर हमें कौन सा देखने को मिलेगा, तीसरा देखने को मिलेगा, आंसर हमें तीसरा देखने को मिलेगा। बिल्कुल विनोद जी, ये पेपर फर्स्ट के लिए है, सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए हम यहां पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, श्यामा हैड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, देन She converted this sheet into a square sheet by folding the paper. What will be the change in the number of lines of symmetry after folding? श्यामा के पास एक आयातकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगा? तो हमसे चेंज ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पूछा गया है सिमेट्री। तो पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले हमें देखने को मिल रहा है रेक्टेंगुलर शीट और फिर हमें क्या देखने को मिल रही है स्क्वायर शीट।
यहां पे हमें पहले क्या देखने को मिल रही है, पहले देखने को मिल रही है आयातकर कागज, और फिर उसके बाद मोड़ने के बाद क्या देखने को मिल रहा है, वर्ग कागज। तो यहां वस्तुतः आयातकर और वर्ग में अंतर पूछा गया है कि संख्या बढ़ जाती है या संख्या घट जाती है हमारे पास सिमेट्री की, जब हम लेके चलते हैं तो हमारे पास सिमेट्री की क्या रहती है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, हमें ये सिमेट्रिकल फिगर्स देखने को मिलती हैं। जब हम लाइंस ऑफ सिमेट्री के ऊपर बात करते हैं तो हमें ये फिगर देखने को मिलेगी, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, वहीं पर रेक्टेंगल में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं, सममिति की बात करूं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे देखने को मिलता है वर्ग में 4 होती हैं सममिति की रेखाएं, रेक्टेंगल में 2 होती हैं, रॉम्बस में 2 होती हैं, पतंग में 1 होती है, आइसोसेलेस यानी समभुज जो समद्विबाहु हमारे पास है, ट्रेपेज़ॉइड इसमें 1 होगी, ट्रेपेज़ॉइड यानी इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं देखने को, पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमें देखने को मिलता है कि समत्रिभुज है तो समत्रिभुज में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि आइसोसेलेस हमारे पास द्विसमबाहु त्रिभुज है तो ये इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि किसके, जैसे कि अगर मैंने कहा कि हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जब इसको हम इधर से देखते हैं तो इसके ऊपर अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, इसे हम कहते हैं सममिति, जहां पे हम फोल्ड करें तो पूरा का पूरा जो हमारा आकृति है वो दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाए, दूसरे के ऊपर बिल्कुल उसी आकार में हमें एक दूसरे पीछे का दिखाई ना दे, सुपर इंपोजिंग कहते हैं इसको। अगर ये हमारे पास होती है तो इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो सममिति रेखा है, वर्ग में 4 होती हैं और आयत में 2 होती हैं, 4 इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में 2 हमें देखने को मिल रही है। तो यहां पर हमारे पास पहले आयत था, पहले रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल की 2 होती हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, और फिर हमारे पास था स्क्वायर, फिर हमारे पास है वर्ग, वर्ग की 4 होती हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमें देखने को मिला बढ़ गई, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इंक्रीजेस बाय 2, रैखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी, यहां पे हमें रैखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ते हुए दिखेगी, यहां पे रैखिक सममिति 2 बढ़ गई है। चलिए नेक्स्ट देखें इसमें, राधा हैज अ रेक्टेंगुलर कार हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, रेनू हैज अ स्क्वायर शेप्ड कार विद इट्स साइड 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ द टू कार। राधा के पास एक आयातकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, रेनू के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा हमें 15 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहां पर पूछा गया है कि दोनों के बीच में पैरामीटर्स में क्या हमारे पास अंतर है, तो दोनों के परिमाप में क्या अंतर है, दोनों के परिमाप में क्या अंतर है। ठीक है, तो अगर अब हम देखें तो रेणु राधा के पास क्या है, राधा के पास हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और आयत का पैरामीटर हमें पता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई हमें देखने को मिलता है, और इसकी लंबाई दे रखी है हमें कितनी, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 2 गुणा 20 जमा 10 यानी 2 गुणा 30 यानी ये हो गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। जब हम परिमाप का बात करते हैं, आयत का बात करते हैं, तो हमारे पास परिमाप कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। वहीं पर अगर हम बात करें कि रेणु का, तो रेणु के पास स्क्वायर है, रेणु के पास स्क्वायर है, एक वर्ग है, और वर्ग का परिमाप हमें कितना देखने को मिलता है, 4 गुणा भुजा, हमें वर्ग का परिमाप यह देखने को मिलता है, भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर की, और 15 सेंटीमीटर की तो 4 गुणा 15
यानी ये हमारे पास आ गया कितना 60 सेंटीमीटर। तो दोनों में हमें अंतर कितना देखने को मिलेगा, तो दोनों में जो अंतर हमें देखने को मिल रहा है वो है 0 सेंटीमीटर का, हमें 0 सेंटीमीटर का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। उत्तर यहां पे पहला हमें देखने को मिलेगा, उत्तर यहां पे पहला हो जाएगा। तो यहां हम क्या देखते हैं, यहां पर हम ये देखते हैं कि हमसे पेपर फर्स्ट में न्यूनतम जो हमें अलग अलग सूत्र हैं या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं और इसमें उनका एप्लीकेशन, उनका प्रयोग पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सेलेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। रेडियस, एंगल, सेंटर डायमीटर, त्रिज्या, कोण, केंद्र व्यास, सर्कमफ्रेंस, साइड, रेडियस एरिया, परिधि, भुजा, त्रिज्या, क्षेत्रफल, रेडियस क्वाड, पेरिमीटर साइड, त्रिज्या, जीवा, परिमाप भुजा, और सर्कमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर यहां पर देखें तो हमसे पूछा गया है कंपोनेंट्स ऑफ अ वृत्त के भाग पूछे गए हैं, वृत्त के भाग पूछे गए हैं। अब वृत्त में अगर हम पहला देखें तो वृत्त में एंगल नहीं होता है, वृत्त में कोण नहीं होता है, वृत्त के भाग में कोण नहीं होता है, वृत्त के का भाग हमारे पास क्या होता है, कोण हीन होता है, एंगल लेस होता है। जो सर्कल है हमारा, सर्कल हमेशा एंगल लेस देखने को मिलेगा, उसमें हमें कोण देखने को नहीं मिलता। दूसरा देखें, दूसरा फिर हमारे पास आता है सर्कमफ्रेंस, साइड, रेडियस, एरिया। तो साइड फिर से हमें देखने को नहीं मिलता है, हमें यहां पर भुजा देखने को नहीं मिलती केंद्र इसमें वृत्त में। जो सर्कल है, सर्कल में हमें साइड भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि साइड हमेशा किस में होगा, जहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं स्पेसिफिक साइड वाइज हमें जो देखने को मिल रहे हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें रेडियस, क्वाड, पेरीमीटर, साइड, फिर से साइड आ गया इसमें, तो साइड इसका हिस्सा नहीं होता, भुजा फिर से इसका हिस्सा नहीं होता, भुजा इसका हिस्सा नहीं होता, बाकी हमें देखने को मिल रहे हैं। और लास्टली फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो ये बिल्कुल ठीक होगा, सर्कमफ्रेंस, परिधि रहती है, परिमाप रहता है, सेंटर हमें केंद्र देखने को मिलता है, रेडियस त्रिज्या देखने को मिलती है, और डायमीटर व्यास देखने को मिलता है। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी वृत्त के भाग हैं। तो यहां पर हमें ज्यामितीय आकृतियों का मुख्य लक्षण पूछे जाते हैं, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनके जो प्रिंसिपल हमारे कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस आपके हमेशा रहेंगे इसमें, जो हमें ये कंपोनेंट्स और देखने को मिल रहे हैं, घटक होंगे, भाग हो गए या फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई, अलग अलग हमें इसमें देखने को मिला लक्षण हो तो वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। If Meeta walks 60 km in 1 hour, how much distance will she travel in 210 minutes? ठीक है, तो 16 किलोमीटर इन 1 hour, अगर 16 किलोमीटर एक घंटे में चलती है तो इसलिए उसकी गति कितनी हो गई, उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसकी अगर हम चाल देखेंगे या गति देखेंगे तो कितनी हुई, वो हुई 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि वो 210 मिनट में कितना चल रही है, वो 210 मिनट में 210 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस चलती है, कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां पर हमें पहले किलोमीटर में इस दूरी को कन्वर्ट, सॉरी किलोमीटर का मैंने घंटे में इस दूरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें मिनट में दे रखा है और मिनट को हमें घंटे में बदलना है। तो हमें पता है इसको हम एक एक नियम से करेंगे, इसको हम एक एक नियम से करेंगे, हम इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। जब भी आपको करना हो कन्वर्जन तो यूनिटरी मेथड को यूज कीजिए। एक एक नियम में हम क्या करते हैं, तो एक एक नियम में हम करते हैं कि हमारे पास 60 मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं एक घंटे के, 1 hour के, ये बराबर होते हैं एक घंटे के, 1 hour के हमारे पास बराबर होते हैं।
अब इसको हम आगे कर लेते हैं तो एक मिनट हमारे पास कितने के बराबर हो गया, एक मिनट हमारे पास बराबर हो गया एक बटा 60 घंटे के, एक बटा 60 घंटे के। तो इसी तरीके से 210 मिनट हो गया कितना हमारे पास, 210 मिनट हो गया हमारे पास 210 बटा 60 घंटे के। यानी अगर हम इसको काट लें तो जीरो से जीरो कट गया, 3 × 2 = 6, 3 × 7 यानी 7/3 घंटे हमें यह देखने को मिल गया, 7/3 घंटे हमें देखने को मिल जाता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिली, हमें निकालना है ये समय निकल गया, ये हमारा समय निकल गया, चाल हमें दे रखी है, तो चाल से अगर हमें दूरी निकालनी हो तो दूरी होती है चाल गुना समय। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि दूरी जो डिस्टेंस होती है ये होती है स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा में समय। तो चाल हमें दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमें दे दिया 7/3 किलोमीटर। तो हम इस हिसाब से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा हमें, अब अगर हम इसको देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, 7 × 6 = 42, 2 × 7 = 7, 4 = 11, 100/3, 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 3 = 9, हमें 22 देखने को मिल रहा है, 3 × 7 = 21, तो 37 किलोमीटर हमारे पास आ रहा है, इसमें 37 तो है ही नहीं। इसमें कोई फिगर में कोई गलती होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये हमारे पास हमारा सूत्र है, इसमें फिगर में कहीं गलती होगी, हमारा 37 किलोमीटर 37 पॉइंट कुछ आ जाएगा। (33) आ रहा है हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अमृता टेक्स अ स्क्वायर शीट एंड डिवाइड्स द शीट इनटू 10 इक्वल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। यहां पे हमें देखने को मिलता है कि वो 10 आयताकार पट्टियों में इसको बांट देती है, 10 आयताकार पट्टियों में इसको बांट देती है, ठीक है। डेंसी कलर्स 3 स्ट्रिप्स विथ रेड कलर। अब वो उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। Now she draws 10 horizontal lines on the same sheet which divides the paper equal into 100 parts. अब वो उसी कागज की सीट में 100 क्षैतिज रेखाएं बनाती है जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। Which of the following fraction shows the part that is not colored? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या काम करा उन्होंने, उन्होंने पहले एक शीट ली, स्क्वायर शीट ली उन्होंने, और इसको 10 इक्वल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में बांट दिया वर्टिकल लाइंस से। तो वर्टिकल लाइंस यानी इस तरीके से, इस तरीके से उन्होंने इसको 10 स्ट्रिप्स में बांट दिया, ठीक है। अब इसमें से किसी 3 के ऊपर उन्होंने कलर कर लिया, तो हम मान लिया ये 3 ले लेते हैं, इन 3 के ऊपर उन्होंने कलर कर लिया, 3 स्ट्रिप्स के ऊपर, 3 पट्टियों के ऊपर उन्होंने लाल रंग कर दिया। अब जब 3 पट्टियों पे लाल रंग कर दिया, उसके बाद उन्होंने हॉरिजॉन्टली यानी उन्होंने क्षैतिज के तौर पर इसको फिर से बांटा, और क्षैतिज के तौर पर कितने बांटा, फिर से 10 भागों में बांट दिया।
अब इसमें से अगर हम एक स्ट्रिप को लें, इसमें से अगर मैं एक स्ट्रिप को ले रहा हूं, तो एक स्ट्रिप में मुझे क्या चीज देखने को मिल रही है? एक स्ट्रिप में जो मुझे चीज देखने को मिल रही है, ये मुझे चीज देखने को मिल रही है, एक स्ट्रिप के अंदर मुझे ये देखने को मिलेगा कि ऐसे 10 भाग होंगे, और इस 10 भागों में लास्ट के 3 हमारे पास क्या हुए? रंगे होंगे। ऐसे 10 स्ट्रिप्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके लास्ट 3 हमारे पास क्या हैं? रंगे हुए हैं। तो यहां पर फिर से देखें, एक वर्ग था जिसके हमारे पास पहले हमें क्या किया गया, ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी खड़ी रेखाएं बनाई गई, खड़ी रेखाओं में 10 आयतकार पट्टियां बांटी और 3 पट्टियों को रंग दिया। उसके बाद हमें पड़ी रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं, हमने फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस में इसको 10 में भागा, और एक स्ट्रिप का पूछा गया है तो रंगा भाग हमें किस भिन्न के द्वारा दिखाई देगा? जो ये जो हमारा रंगा भाग है, ये कौन सा भिन्न होगा जो रंगा नहीं है, नहीं वाले भाग को देखने को बोला गया है। तो यहां पर हमें फ्रैक्शन शोज द पार्ट विच इज नॉट कलर्ड, तो नॉट कलर्ड कौन से हैं? टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल भाग कितने हैं? कुल भाग हैं इसमें 10, कुल भाग हैं 10। कितने रंगे नहीं हैं? रंगे नहीं हैं 1, 2, 3, 7 रंगे नहीं है। देखेंगे अगर हम नॉट कलर्ड के 7 और कुल कितने हैं बटे में 10, कुल कितने हैं तो बटे में 10। तो यहां पर जो हमें निकालना है वो कितना निकला? वो निकला 7/10, 7/10। तो ये सिंपल हमारे पास डिवीजन एक्सरसाइज है। ये जो हम भिन्न के लिए भाग एक गतिविधि करवाते हैं बच्चों से, ये वो है हमारे पास, जिससे कि हम भिन्न की अवधारणा बच्चे को दे सकें, जिससे कि हम कंसेप्ट ऑफ जो फ्रैक्शन है वो बच्चे को हम इंपार्ट करते हैं इसके बेसिस पे। इसके बेसिस पे हम फ्रैक्शन के लिए इंपार्ट करते हैं, फ्रैक्शन के लिए हम इंपार्ट करते हैं इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विंसी रीड्स न्यूज़पेपर डेली फॉर अप्रॉक्सिमेटली 3 आवर्स, शी टुक 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स टू रीड द न्यूज़पेपर टुडे, हाउ मेनी सेकेंड्स डिड शी रीड दिस न्यूज़पेपर? विंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है, आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया, उसने कितने सेकेंड अखबार पढ़ा? तो फिर से कन्वर्जन ऑफ टाइम है, जैसे कि पीछे हमने कन्वर्जन ऑफ टाइम देखा था, ये फिर से हमारे पास समय को हमें विभिन्न मानों में बदलना है। इस प्रश्न में भी हम यही देख रहे हैं समय को। तो हमें पता है कि 1 घंटा 1 आवर बराबर है किसके? 60 मिनट के, 60 मिनट्स बराबर है हमारे पास कितना? 60 × 60 सेकंड के, यानी 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पे आवर, मिनट, सेकेंड। अब यहां 2 घंटे 55 मिनट है, 2 घंटे 55 मिनट है, तो यहां अगर हम देखें तो 1 मिनट किसने के बराबर होता है? तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, ये भी हम देखने को निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है, 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के, 1 घंटा बराबर है 3600 सेकंड के। ठीक है, ये दो चीजें हमें मालूम है। अब इन दोनों से अगर हमें निकालना हो 2 घंटे 55 मिनट, तो ये कितना होगा? ये होगा हमारे पास 2 × 60 + 55 × 2 × 3600 हमें सेकंड निकालने, 3600 × 55 × 60। अगर मैं इसको निकालूं, 2 घंटे 55 मिनट को निकालूं, अगर मैं इन सब चीजों के थ्रू 2 घंटे 55 मिनट को निकालूं,
2 आवर 55 मिनट्स। तो ये होगा 2 गुना 3600 सेकेंड और जमा 55 गुना 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है तो ये हमारे पास, और 1 घंटा 3600 सेकेंड के बराबर हो जाता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा 7200 सेकेंड, 7200 सेकेंड प्लस में 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30 3300 सेकेंड, 7200 सेकेंड प्लस 3300 सेकेंड हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जोड़ लें इसको तो हमें कितना देखने को मिल रहा है, 0 0 3 2 5 और 7 3 10, 10500 सेकेंड। तो उत्तर यहां पे हो गया सेकेंड, 10500 सेकेंड। तो अगर हम सेकेंड के हिसाब से देखें तो हमें कितना देखने को मिल रहा है, 10500 सेकेंड, 2 घंटे 55 मिनट हमें बराबर होते हैं 10500 सेकेंड के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following is a perfect cube? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन है, हम किसे एक पूर्ण घन के रूप में देख रहे हैं, किसे हम एक पूर्ण घन के रूप में देख रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर परफेक्ट क्यूब की बात करूं, यहां पे मैं पूर्ण घन की बात करूं, तो पूर्ण घन हमें क्या देखने को मिलता है। अब यहां अगर हम पूर्ण घन की बात करें, परफेक्ट क्यूब की बात करें, तो यानी जिसके फ्रैक्शन हम किसमें बांट सकें, मल्टीपल हम बांट सकें जिसमें क्यूब बने हमारे। तो अगर हम 25 को देखें तो 25 बराबर कितना है 5 गुणा 5 के, 36 को देखें तो ये कितना बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, या इसको हम 6 गुणा 6 कह लें। 64 को देखें तो हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो हमें देखने को मिल रहा है 8 गुणा 8 या 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये हमें ये देखने को मिलता है। और 81 को हम देखें तो ये हमें देखने को मिलता है 9 गुणा 9 या 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमें परफेक्ट क्यूब कौन सा देखने को मिलेगा, जिसमें हमें क्या देखने को मिले, जिसमें हमें 3 एक ही तरह के गुणज देखने को मिलते हैं, 3 सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल्स आ गया, तभी हम इसे क्यूब कहेंगे। तो इसमें 3 सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल्स हमें किसमें देखने को मिल रहे हैं, वो केवल हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, इसलिए 64 हमारे पास क्या है, 4 का परफेक्ट क्यूब है। 64 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, 4 का पूर्ण घन 64 है, क्यों, क्योंकि हम 4 क्यूब बराबर 64 या 64 बराबर 4 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं, इसीलिए उत्तर यहां पे हमें तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। खेलने और भाग पढ़ने में व्यतीत करता है, वह दिन का कार्तिक स्लीप्स एट 10 PM एंड वेक्स अप एट, ही स्पेंड्स 1/8 ऑफ अ डे, हिंदी में आपको वो नहीं दे रखा, ही स्पेंड्स 1/8 ऑफ अ डे इन प्लेइंग एंड 1/6 ऑफ अ डे इन स्टडिंग। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि वो खेलने में 1/8 और पढ़ने में 1/6 and 1/8। वॉट इज द पार्ट ऑफ द डे ऑन अदर एक्टिविटीज, वो गतिविधियों में, दूसरी गतिविधियों में कितना, अन्य गतिविधियों में कितना समय व्यतीत करता है, वो अन्य गतिविधियों में कितना समय व्यतीत करता है।
तो अब यहां पर हमसे अन्य गतिविधियों का पूछ रखा है। अगर हम देखें तो पहले हम देखें कि क्या है, तो वो 10 बजे सोकर उठता है, रात में 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, यानी उसको 6 बजे से सुबह रात 10 बजे तक ये समय उसके पास है। सो 6 AM to 10 PM, 6 AM से हमें 10 PM तक देखने को मिल रहा है बच्चा है, तो टोटल कितने आवर्स हो गए हमारे पास, हम टोटल कितने घंटे देख रहे हैं, और उस घंटे में से बाकी समय में वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, इस चीज को पूछा गया है, बाकी समय वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर देखें तो हमें देखने को मिलता है 1/8 of a day, तो 1/8 of a day का मतलब हमें क्या देखने को मिल गया, 1/8 into 24 hours, क्योंकि वन डे कितने के बराबर होता है, एक दिन हमारे पास कितने के बराबर होता है, 24 घंटे के। तो जब हम प्ले की बात करेंगे, जब हम खेल की बात करेंगे, तो खेल है 1/8 into 24, 8 * 3 = 24, यानी 3 घंटा, और स्टडी है, पढ़ना है उसका 1/6 of a day, यानी 1/6 into 24, 6 * 4 यानी 4 hours, ये हमें देखने को मिल गया। और सोता कितने बजे है, तो रात को 10 बजे सोता है, तो 10 से 12 और 6, यानी टोटल सोना कितना हो गया, स्लीप कितना हो गया उसका, स्लीप हो गया उसका 6 बजे से, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो 10 दो 12 और 6, 8 घंटा, 8 आवर्स सो रहा है वो, एक घंटे में सो रहा है, सोना उसका एक घंटे है। तो बाकी गतिविधियों के लिए कितना बच गया, तो बाकी गतिविधियों के लिए अगर निकालना है हमें, अन्य समय कितना बच गया हमारे पास, अदर के लिए टाइम कितना बच गया, तो 24 में से ये तीनों घटा लें, 24 में से सो रहा है वो 8 घंटे, खेल रहा है वो 3 घंटे, पढ़ रहा है वो 4 घंटे, तो ये कितना आ गया हमें देखने को मिल गया, यह हमें देखने को मिल गया कि 24 में से हम 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे हटा देते हैं, तो 12 घंटे ये हट गए, और 12 में से फिर हमारे पास 3 घंटे बचे, तो कितने बचे, 9 आवर बचे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे फ्रैक्शन पूछा गया, तो 9 आवर है, तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो फिर से हमें 24 घंटे के हिसाब से देखना होगा, तो 9 आवर में अगर हम भिन्न देखेंगे तो 9/24 हमें देखने को मिल गया, 3 * 9 = 3, 8 = 24, तो 3/8 भाग देखने को मिला हमें, 3/8 भाग देखने को मिला, जो कि चौथा आंसर है। तो 9 घंटे वो अन्य काम करता है, 9 आवर्स वो हमारे पास अदर वर्क कर रहा है, 9 घंटे वो दूसरा काम कर रहा है, अन्य काम वो 9 घंटे कर रहा है। तो 9 घंटे के लिए जो हमें देखने को मिला वो क्या देखने को मिला, वो देखने को मिला हमारा 3/8 भाग, 9 घंटे के लिए 3/8 भाग हमें देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट देखें, द लेंथ ऑफ Roshda and Rekha's braids are 4/5 and 5/5 of a meter respectively. Sum of the length of the two braids is. Roshda और Rekha की चोटियों की लंबाई 1 meter का क्रमशः 4/5 और 5/7 है. ठीक है. तो दोनों की योग कितना होगा? दोनों का योग कितना होगा? तो यहाँ पे हमसे दोनों का योग पूछा गया है. हमसे दोनों का योग पूछा गया है, हमसे दोनों का योग पूछा गया है। ठीक है,
तो हमें सीधा सीधा योग पूछना है क्योंकि हमसे 4/5 मीटर हो गया एक, और दूसरा है 5/7 मीटर, तो इसका हमें योग करना है। योग करना है तो योग हमें पता है कि हम एचसीएफ लेते हैं और एलसीएम लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसको लेके कर लेते हैं। तो यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें एलसीएम 5/7 देखने को मिलेगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो 4/7 + 5/5 ये हमें योग देखने को मिल जाएगा, ये हमें योग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल, ये 7 × 28, 5 × 5 = 25, 5/7 हमें देखने को मिल रहा है। पैंतीस कर ले तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमें देखने को मिल गया 8, 5 = 13 और 53/35, 53/35 हमें देखने को मिल गया। अब अगर इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कितना देख सकते हैं हम, कितना देख सकते हैं हम, इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो देख लेते हैं, 53 को 35 से कर लेते हैं, 35 × 35, 13 में से 5 = 8, 4 में से 3 = 18, 18 नहीं कट रहा तो ये बराबर कितने के हो गया, तो इसके हिसाब से ये बराबर हमें देखने को मिल गया एक, सही, ऊपर बचा 18/35, एक सही 18/35, तो उत्तर यहां पे दूसरा हो जाएगा, उत्तर यहां दूसरा हो जाएगा, एक सही 18/35। देखिए नेक्स्ट, द सम ऑफ 10 − 10 + 10 − 10 + 10 − 2 इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज, यहां पे हमारे पास 10 × 10 = 10 × 10 = 10 को अगर हम पदों की संख्या सम रखते हैं, पदों की संख्या सम रखते हैं तो हमें क्या मान मिलेगा, तो हम देख लेते हैं। अगर हम देखें कि यहां पर हमने 10 × 10 किया, फिर जमा 10 किया, फिर घटा 10 किया, फिर जमा 10 किया, फिर घटा 10 किया, इस तरीके से अगर बढ़ाते रहे, तो अगर हमारे पास सम संख्या है तो सम संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 2 होगी, या 1 2 3 4 होगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 होगा। और क्योंकि ये हमारे पास पेयर में है, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें सकारात्मक और नकारात्मक संख्याएं युग्म में देखने को मिलती हैं, तो जब भी सम संख्या होगी तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, पेयर मिलेगा। जब भी सम संख्या होगी तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, पेयर मिलेगा। जब सम संख्या होगी तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, पेयर मिलेगा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक का। बिल्कुल सोनिया जी, ये पेपर फर्स्ट का क्लास है, तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा कि हमेशा युग्म में मिलेगा और ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। जब भी हम देखेंगे ये इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, यानी जब भी सम संख्या होगी तो हमें उत्तर कितना देखने को मिलेगा, उत्तर देखने को मिलेगा शून्य।
हमें कम या ज्यादा होने के लिए यहां पर क्या चाहिए होगा, हमें कम या ज्यादा होने के लिए हमें आवश्यकता होगी विषम संख्या की। अब अगर मैं इसे विषम संख्या, क्योंकि ये प्रश्न विषम संख्या में भी आ सकता है, अगर मैं ये सेम प्रश्न आपसे विषम के लिए कह लेता हूं कि विषम पद है यहां पर ऑड टर्म्स हैं, तब कितना होगा? तो ऑड टर्म्स निकालना भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं सेम क्वेश्चन को लूं पर देखूं, मैं 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 के हिसाब से है, तो विषम संख्या होने का मतलब है या तो एक होगा या फिर हमारे पास कितना होगा, या तो हमें देखने को मिलेगा एक या एक दो तीन, या मुझे देखने को मिलेगा कितना, एक दो तीन चार पांच, या देखने को मिलेगा एक दो तीन चार पांच छ सात, यानी इसके बाद एक और संख्या। तो यहां अगर मैं लेके चल रहा हूं तो यहां प्लस 10 आना चाहिए। तो अब अगर मैं हिसाब से लेके चलूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है एक संख्या में एक है, लेकिन जैसे ही मैं तीन संख्या पे पहुंचा तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है कि ये बचा रहेगा, ये दोनों आपस में कट गए। फिर मैं पहुंचा अगर विषम संख्या अगली पे, तो पांचवी पे, तो यहां मुझे क्या देखने को मिल रहा है, फिर से मुझे देखने को मिल रहा है कि ये बचा रहा और ये चारों कट गए, ये बचा रहा और ये चारों कट गए। इसी तरीके से अगर मैं सातवीं संख्या पे पहुंच जाता हूं तो यहां फिर से 10 आएगा और ये फिर से मुझे कटता हुआ दिखेगा, ये बच जाएगा। यानी अगर विषम संख्या होगी, विषम पद होंगे, तो हमेशा उत्तर कितना देखने को मिलेगा, हमेशा उत्तर देखने को मिलेगा प्लस का 10, हमेशा उत्तर देखने को मिलेगा प्लस का 10। तो यहां अगर हम देखें तो हमें माइनस और प्लस में प्लस का 10 देखने को मिलता है जब विषम संख्या होती है, विषम पद होते हैं, वहीं पे सम होंगे तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा, अगर इवन नंबर्स हैं तो हमेशा हमें देखने को मिलेगा इवन नंबर्स में जीरो है, ये इवन नंबर्स में हमेशा ये जीरो देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, द वेजेस ऑफ फार्मर्स इन डिफरेंट विलेजेस फॉर वन डे आर गिवन बिलो, विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां पे हमें दे रखा है जगत हियर्स 2685 मोर देन रेनू, रेनू सियर्स 2685 मोर देन जगत, बोथ अर्न इक्वल अमाउंट, क्वेश्चन पूरा नहीं है ये, इसमें क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। सोनिया जी, अभी मैथ क्लास डेली नहीं हो रही, अभी जैसे आज संडे था तो संडे को ली है, बाकी अभी रेगुलर टाइम में इवनिंग में क्लास रहेगी जो कि 5:30 के बाद रहेगी, ठीक है, 5:30 के बाद रहेगी इवनिंग में, आज संडे का था तो डेमो क्लास के तौर पे ये दे रहे हैं, फिर इवनिंग में आपका क्लास रहेगा। चलिए इसको देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 and 6 tenths, निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है, 1 and 6 tenths, ठीक है। अब यहां पे हमसे पूछा गया है 1 and 6 tenths, तो 1 and 6 of 10th, 6 दशांश, यानी 10 का 6वां अंश, 6 दशांश का मतलब हुआ 10 का 6वां अंश, 1। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 1 और 6 दशांश का, यानी 10 का 6वां अंश, 10 का 6वां अंश हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 6 दशांश। अब इसके हिसाब से ये जो 6/10 है ये कितने के बराबर हो जाता है, अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये 0.6 के बराबर होता है। जो मेरे पास भिन्न है, जो मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू है, वो फ्रैक्शन वैल्यू है 6/10, इसी को अगर मुझे दशमलव में करना हो,
इसी को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम 0.6 कर लेंगे, क्योंकि हम जितना हमारे पास नीचे जीरो होता है उतने के बाद हम उतने से पहले हम क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो इस हिसाब से हमारे पास ये कितने के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 1.6 के बराबर। अगर इन दोनों को जोड़ लेते तो कितने के बराबर आ जाता है, 1.6 के बराबर। तो उत्तर यहां पे हमें 1.6 देखने को मिलेगा, 0.6 था यहां पे, 0.6 तो 1.6 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, क्या क्या समझ में, ये 1.6 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, 866, 8.06, 8.066, 8.006, 8.60, 80.6, 0.866। अब देखिए यहां पर जब भी आपके पास ये प्रश्न आए तो यानी हमें डेसिमल कंपैरिजन करना है, हमें डेसिमल कंपैरिजन करना है, यहां पे हमें दशमलव की तुलना करनी है। अब अगर हमें दशमलव की तुलना करनी है तो ये दशमलव की तुलना हम कैसे करें, तो सबसे पहले हम दशमलव की तुलना में, क्योंकि इसे आरोही क्रम में लिखना है इसलिए सबसे छोटा आएगा, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कंपैरिजन फॉर्म में। कंपैरिजन फॉर्म में हम कैसे लिख लेते हैं, तो मान लिया मैं कोई से भी चुन लेता हूं, इसमें मैं चुन लेता हूं, तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या चुनना है, सबसे पहले मुझे चुनना है पहला भाग, तो 866 8 दशमलव से पहले के भाग, 8 8 8 और 80। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले सबसे आखिरी में कौन सा आ गया, सबसे आखिरी में 866 आएगा, 866 सबसे आखिरी में आएगा, तो मैं इसको 866 को लिख लूं, ये सबसे आखिरी होगा, इसके बाद 80 होगा क्योंकि इससे छोटा 80 है और हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, तो ये मुझे मिल गया कितना, 80.6, तो 80.6 से बड़ा 866 होगा, 80.6 से बड़ा 866 होगा। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें दशमलव से पहले वाली संख्याओं को कर लेना है। अब देखो तो ये सारी हमारे पास बराबर है, कितनी, 8 और 8 और 8 और 8। ठीक है, अब यहां पे गड़बड़ कर दिए क्या, देखिए यहां पर हमें 180 दे रखा है, यहां 0.86 दे रखा है, ठीक है, अब यहां 0.866 दे रखा है, यहां 866 दिया था, ठीक है, 880 भी नहीं होगा, ये भी हटा दें, तो ये भी हटा दें, हमारे पास ये 866 नहीं है, ये दोनों तो हटा दें, 866 सबसे लास्ट में होना चाहिए था, 180 सबसे लास्ट में होना चाहिए था। अब यहां पर देख लें तो यहां हमें देखने को मिल रहा है 0 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है और 80 है, 0 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है और 80 है, तो ये दोनों हमें देखने को मिल गए, 80 सबसे बड़ा होगा इसमें, 80 सबसे बड़ा होगा, ये बिल्कुल ठीक आ गया, इनमें 80 सबसे बड़ा होगा, ये हमें बिल्कुल ठीक आ गया, और 0 सबसे छोटा होगा, तो ये दोनों हमें फुलफिल कर रहे हैं, 0 सबसे छोटा और 80 सबसे बड़ा है। ठीक है, पहले वाले हमने देखिए, बाकी सब हमारे पास कितने हैं, 8 8 8 8 और 8 8 8 8, यानी ये हमारा सेम है सबका। ये अगर मैं देखूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये मुझे देखने को मिल रहा है सबका सेम, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, 8 8 और 8, यानी अब इसके बाद वाले का हमारे पास होगा। तो जब हम देखें तो इससे अगला देखते हैं, इससे अगला देखेंगे तो इससे अगला क्या है, इससे अगला मुझे क्या देखने को मिलता है, 0 0 0 0 0 0 6 6, तो यानी ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं क्योंकि 6 0 बड़ा होगा, 6 0 बड़ा होगा, तो ये दोनों संख्याएं सही देखने को मिली। अब अगर हम देखें तो ये सारी कौन सी आ गई, फिर से हमें 0 0 देखने को मिल गई, 0 0 देखने को मिल गई। ठीक है, ये दो चीज देख चुके हैं, अब देखेंगे हम अगली में, तो अगली संख्या हमें फिर से कितनी देखने को मिल रही है, 0 0 6 6 6 6, ये देखने को मिल रहा है हमें। अब अगर मैं देखूं तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास ठीक है, ये जीरो होनी चाहिए, ये पहले है, इन दोनों में हमें अब कंपेयर करना पड़ेगा, यानी ये जीरो जीरो हमारे पास सही आ गई। अब ये जीरो छे छे है, जीरो छे है, अब 60 बड़ा होगा या 66 बड़ा होगा, क्योंकि अगर जीरो छे देखें तो जीरो छे का मतलब क्या होता है, यानी दो संख्याएं कौन सी आ गई, 8.066 ये हमें देखने को मिल रही है, इसको कंपेयर करना है 8.06 से,
इससे कंपेयर करना है, या फिर हमारे पास 8.06 को कंपेयर करना है 8.066 से, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी। इस पे बात आकर रुक गई हमारी। इन दोनों पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले फ्रैक्शन के डेसिमल को बराबर करना पड़ेगा, दशमलव की संख्या को बराबर। दशमलव की संख्या तो 0.06 बराबर होता है 0.60 के 0.06। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा हमें देखने को मिलेगा, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो 66 बड़ा है 60 से, 66 बड़ा है किससे, 60 से। तो इसका मतलब हमारे पास 66 बाद में आना चाहिए, 60 पहले आना चाहिए, यानी ये हो गया गलत और ये हो गया सही। तो उत्तर यहां तीसरा देखने को मिलेगा, ये हमारे पास नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, बड़े को लिखना है, 66 बड़ा है हमारे पास, तो ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, हमें बड़े को बाद में लिखना है ना, तो ये सही हो गया ये गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास बड़ा बाद में आना चाहिए, यहां पे ये उल्टा है तो ये गलत है। हमने किस में रखना है, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने रखना है, ये बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में हमें क्या देखने को मिला, बढ़ते हुए क्रम में हमें ये देखने को मिला, तीसरा हमारे पास सही है, पहले 60 आएगा फिर 66 आएगा फिर हमें ये देखने को मिलेगा, ये उल्टा है ना, पहले 60 आएगा फिर 66 देखने को मिलेगा, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले 66 फिर 60, तो पहले कहां है 60, ये तो था 60 66, ठीक है यही तो है 60 फिर 66, ठीक है। तो अब यहां पे क्रम को देख लें किस तरीके से, तो देखिए मैं इसको पूरे को लिख देता हूं जो सही वाला क्रम है, ताकि आप इसको आराम से पहचान सके। सबसे पहला हमने देखा 0.866, फिर हमने देखा 8.06006, दूसरा जो था, तीसरा था 8.06, चौथा था हमारे पास 8.066, फिर था हमारे पास 8.60 और फिर था हमारा 80.6। अब ये बढ़ता हुआ क्रम हमें मिल गया, इसमें मैं फिलर भर देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो फिलर हम भर देते हैं यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, 0। अब आप इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा 0 है, फिर 8.0, फिर 8.06, ये सारी चीजें कॉमन आ गई, तो इसको कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेयर किया तो 6 और 6, 0, तो 60 6 से बड़ा हो गया, फिर 60 से बड़ा 66 हो गया, 66 से बड़ा 600 हो गया, 600 से बड़ा 8 से बड़ा 80 हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा इजी कंपैरिजन हमें देखने को मिल गया। ये ध्यान रखिएगा दशमलव के बाद अगर 0 होता है तो 0 नहीं भी लिखा जाता है, इसीलिए यहां पे हमें वहां पर फिलर के रूप में 0 को भरना होता है जिससे कि हम कंपेयर कर सके आराम से। तो उत्तर यहां पे हमें क्या देखने को मिल गया, उत्तर हमें देखने को मिल गया है तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। टू प्ले मियाओ गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, वन प्लेयर कॉल्स आउट वन, द नेक्स्ट प्लेयर सेज टू एंड सो ऑन, अ प्लेयर हु हैज टू कॉल आउट 7 और अ नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 7 हैज टू से मियाओ इंस्टेड ऑफ द नंबर, वन हु फॉरगेट्स टू से मियाओ इज आउट ऑफ द गेम, the player who says meow in the last will be the winner, which of the following groups of numbers should occur to say meow to become the winner। meow खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं, एक खिलाड़ी बोलता है meow, अगला खिलाड़ी कहता है 2 और ऐसे खिलाड़ी खेल खेलते रहते हैं। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह meow कहेगा, जो meow कहना भूल जाएगा वो खेल से बाहर हो जाएगा, अंत में म्याओ बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्या आने पर म्याओ बोलना होगा। तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है,
तो यहां सीधे सीधे हमने 7 के मल्टीपल देख लेने हैं। पहला समूह देखते हैं 154, 192, 211, क्या ये हमारे पास 7 का मल्टीपल है? 154, 192, 211, ये तीन संख्याएं थी। 7 से करके देखते हैं, 7 दुना 14, ये 7 का मल्टीपल है, इसको 7 से करके देख लेते हैं, ठीक है। 7 दुना 14, 5 52, फिर हमें देखने को मिलता है 7 6 42, 7 7 49, तो यहां हमें देखने को मिल जाता है 3, तो ये नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा पेयर देखें, ये नहीं बनेगा। दूसरा 147 180 210, कर लेते हैं 7 से इसको भाग, 7 दूना 14, 7 1 7, ये है 7 दूना 14, 7 6 42, 5, ये नहीं है, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं हुआ। 133 154 203, ये तीन संख्याएं थी, 133 154 और 203। फिर 7 से भाग कर लेते हैं इसको, 7 1 7 6 7 निम 63, कट गया, 7 दूनी 14 14 7 दूनी 14, कट गया, 7 दूनी 14 6 3 63 7 निम 63, कट गया। तो ये तीनों संख्याएं हैं 7 का गुणज, तो ये हमारे पास आंसर होगा। देख लेते हैं 126 162 175, 126 162 175, 7 से भाग देते हैं, 7 1 7 5 7 8 56, ये है, 7 दूनी 14 22, 7 3 21 1, ये नहीं है। फिर तीसरे को करने की आवश्यकता नहीं है, करना चाहे तो कर लें, तो यहां पर ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमसे जो पूछा गया कि यहां पर कब होगा, जब 7 या 7 से भाग होने वाली संख्या हो, तो हमें सिर्फ ये निकालना था इसमें कि कौन सा जो हमारे पास दे रखा है आंसर, वो 7 से भाग होने वाली संख्याओं का है, 7 से भाग होने वाली संख्याओं का है, और इस खेल के माध्यम से बच्चा उन्हीं संख्याओं को सीखेगा जो 7 से भाग होने वाली संख्याएं हमें देखने को मिलती हैं। बच्चा उन संख्याओं को सीख लेता है, बच्चा उन संख्याओं को सीख लेता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम कल मैं आपके सामने दिन में इसी टाइम आऊंगा, कल मैं मिलूंगा आपको कितने बजे, कल मैं आपको 2 बजे के स्लॉट में ही मिलूंगा, और 2 बजे के स्लॉट में या फिर 1 बजे के स्लॉट में, 1 बजे के स्लॉट में हम क्या देखेंगे, 1 बजे के स्लॉट में हम देखेंगे कि हम इसमें पैडागॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, हम इसमें पैडागॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जितने साथी जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में होगी मुलाकात, फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार, जय हिंद।